हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर वन, दैट इज रियल नंबर्स. सबसे पहले रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों नंबर इंक्लूडेड होते हैं. सो अगर ये सारे हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में रैशनल भी होंगे और इरैशनल नंबर भी होंगे. रियल नंबर्स क्या है, ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers are called real numbers. अब हम बात करें, हमने ये तो बता दिया कि real number में rational भी है और irrational भी है. अब rational numbers क्या है और irrational numbers क्या है. rational numbers एंड इरैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, डेट आर कॉल्ड रैशनल नंबर. एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P upon Q, where Q is not equals to zero, are called rational numbers. एक condition है कि Q zero नहीं होना चाहिए. P and Q are co-prime. और P और Q क्या है? P and Q belongs to integers. P और Q क्या है? इंटीजर्स है. अब को प्राइम क्या है, कोई भी दो नंबर्स जिसमें वन के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, डेट आर कॉल्ड को प्राइम. तो इसमें आ गया को प्राइम. एनी टू नंबर्स या एनी नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, डेट इज वन. को प्राइम मीन्स पी और क्यू में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, वो है वन. Any numbers which has only one common factor, और वो common factor क्या है, that is one, are called co-prime. Example लेते हैं, जैसे कि 3 और 5, क्या 3 और 5 में कोई भी common factor है वन के अलावा? No. 5 और 7, 2 और 3, इसमें वन के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड को प्राइम्स. तो हमने सबसे पहले पढ़ा रियल नंबर, रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर्स इंक्लूड होंगे. रैशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. p और q को प्राइम होने चाहिए और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या है हम आगे पढ़ेंगे. इरैशनल नंबर्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7. या हम इरैशनल नंबर एक और तरीके से भी कह सकते हैं, जिस नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो नंबर है इरैशनल नंबर्स. और इरैशनल नंबर्स क्या है, अ नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, अ नंबर which
cannot be expressed in the form P upon Q. जिस नंबर को हम P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो नंबर्स हैं इरेशनल नंबर्स. तो हमने सबसे पहले पढ़ा रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स इंक्लूड है. रैशनल नंबर वो है जिसे हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. P और Q को प्राइम होने चाहिए. को प्राइम मीन्स उन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए. इसके बिना और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. इरेशनल नंबर्स क्या है? वो नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो है इरेशनल, या हम कहें स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर आर इरेशनल नंबर्स. अब हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखें रैशनल और इरेशनल नंबर्स की, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स. जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो भी रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी. और इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगी. अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेट मींस दैट ब्रिंग्स टू एंड. अगर हम किसी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो दैट डेसिमल एक्सपेंशन उसकी कैसी होगी? टर्मिनेटिंग. रेकरिंग मींस डिजिट्स एक इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. जैसे वन किसी नंबर को हमने डिवाइड किया आया 1.123456, सिक्स के बाद फिर से वन आना शुरू हो गया, कि मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फिर से डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो गए तो डेट इज कॉल्ड रेकरिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? अगर हम किसी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता और नॉन रेकरिंग मींस डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद तो डेट इज कॉल्ड नॉन रेकरिंग. आगे हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए हमारे पास नंबर्स में, जिससे हमें पता लगे कि जो उसके डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग. अब हमने पढ़ा अभी तक रैशनल और इरेशनल. जो नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके डेट आर कॉल्ड रैशनल नंबर. डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. इरेशनल नंबर जिन नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते डेट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर. एग्जांपल्स है स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. उसके बाद हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखी. जो रैशनल नंबर्स हैं उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है बट रेकरिंग होगी. इरेशनल नंबर्स की नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रेकरिंग होगी. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स हो गया, इरेशनल नंबर्स हो गया. अब हमने रैशनल नंबर में कहा था P अपॉन Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स को I या Z से डिनोट करते हैं. अब इंटीजर्स क्या है? ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव, जैसे कि -3, -2, ये भी आगे कंटिन्यूस हो रहे हैं, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर्स. इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो आर इंक्लूडेड, तो दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर. Every integer can be expressed as rational numbers. जैसे
एग्जाम्पल 3 को हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 1, 2 को 2 अपॉन 1, डिनोमिनेटर तो हमारे पास 0 नहीं है. तो एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर. अब नेचुरल नंबर्स क्या है और होल नंबर्स क्या है. नेचुरल नंबर्स काउंटेबल नंबर्स, जो नंबर्स को हम काउंट कर सकें डेट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये सारे होंगे नेचुरल नंबर. होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर तो सारे होंगे ही, जीरो भी इंक्लूड होगा. तो होल नंबर द नंबर जीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड होल नंबर. तो हम होल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड नेचुरल नंबर. जा हम कहें द नंबर जीरो एंड द नेचुरल नंबर्स टुगेदर फॉर्म अ होल नंबर. द नंबर जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या है, द नंबर्स विच वी कैन काउंट. जा काउंटेबल नंबर्स जो है वो है नेचुरल नंबर्स. तो हमने पढ़ा कि जो सारे होल नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स. ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. जो रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होंगे. रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स होंगे. इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर्स जो है उसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होगा. होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड होंगे. तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीजर्स होल नंबर देन नेचुरल नंबर्स. क्लियर. हमने सबसे पहले पढ़ा रियल नंबर्स, उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स इंक्लूड होंगे. रैशनल नंबर में इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर. इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो सभी नंबर्स आएंगे. नेचुरल नंबर में वो नंबर्स आएंगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वन से स्टार्ट होंगे. होल नंबर में जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. यहां तक क्लियर है. इसके आगे हम पढ़ेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. अब इवन नंबर्स क्या है, ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं. इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम, कंपोजिट. हाँ जी, इवन नंबर्स क्या है, हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो है इवन नंबर्स. जा कोई भी नंबर जिसमें वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 आता है वो इवन नंबर होगा. क्योंकि जिसके भी वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 होगा वो सारे नंबर जो है 2 से डिविजिबल होंगे. 2 से डिविजिबल है इट मींस इवन नंबर है. तो हम कहें द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n आर कॉल्ड इवन नंबर्स. n तो नेचुरल नंबर है काउंटेबल. n को 1 पुट करोगे 2 × 1 इवन नंबर. n को 2 पुट किया 2 × 2 = 4 इवन नंबर. 3 पुट किया 6 एंड सो ऑन. अब ऑड नंबर क्या है, एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म
minus 1 are called odd numbers. यहाँ हम कहते थे कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो तो इवन है, लेकिन जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो नंबर है ऑड. जहाँ हम कहे कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो नंबर है ऑड नंबर्स. क्लियर? हम इसमें पुट करके देखते हैं. नेचुरल नंबर n इज 1, 2 माइनस 1, 1 इज ऑड नंबर. 2, 2 into 2, 4 minus 1, 3, 3 is odd number. Example, 1, 3, 5, 7 and so on. 2, 4, 6 and so on. Clear? Jo number 2 se divide ho jaye, 2 ke multiples honge, wo honge even number. Aur jo 2 se divide nahi hote, wo number honge odd number. Next hum pad rahe hain prime numbers. Prime numbers का भी हमने पहले previous classes में पढ़ा है. Any number which has only two common factors, one and the number itself, is called prime number. जैसे any number which has only two factors, कौन-कौन से? One and the number itself are called prime numbers. जैसे 2, 3, 5, 7 and so on. 2, 2 is the only even prime number. अगर मैं 2 के factor देखे, तो 2 के factor क्या है? या तो 1 या 2, 1 into 2, 3 के 1 into 3, 5 के 1 into 5, 7 के 1 into 7. इसके इलावा इन numbers का कोई और factor है? नहीं है. तो जो numbers जिनके सिर्फ और सिर्फ दो common factor है, एक तो number 1 and the number itself, वही number, तो that numbers are called prime numbers. अब अगर हम next number लिखें 9, 9 is not a prime number. क्यों? 9 के factors क्या है? 1 भी है, 9 भी है, but 3 भी है इसका factor. इसके 2 से ज्यादा factors है, इसलिए जो 9 है, वो prime number नहीं होगा. And 2 is the only even prime number. 2 ही एक ऐसा prime number है, जो even है, बाकी सारे prime numbers odd हैं. Clear? Next हम पढ़ते हैं composite numbers. Numbers which has numbers which have more than two factors, more than two factors are called composite numbers. जिसके दो से ज्यादा factors हो, 4, 9, 8, कोई भी लिख सकते हैं 4, 8, 9 etc. 4 के factors देखें, 1 तो है ही, 4 भी होगा और 2 भी इसका factor है. 8 का 1 भी है, 8 भी है, 2 भी है और 4 भी है. 9 का 1 भी है, 9 भी है और 3 भी है. तो कोई भी number जिसके 2 से ज्यादा common factor हो, that number is called composite number. जिस नंबर के भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो है कंपोजिट नंबर. जिस नंबर के ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम और इवन प्राइम. सिर्फ प्राइम नंबर एक ही है जो इवन है, दैट इज 2. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे चलते हैं. Next is Euclid's division lemma. Euclid division lemma क्या कहता है? कि अगर A और B any two positive integers हैं, positive numbers हैं A and B,
then there exist Q and R, which are unique, which satisfy the equation A is equals to BQ plus R, or R ki value lie karegi 0 and B ke beech mein. Ki 0 ke equal bhi ho sakti hai, but B ki value se less hogi. If A and B, let A and B are two positive integers, then there exist, this is the sign of there exist, Q and R, which satisfy the equation A is equals to BQ plus R. Q and R are unique. और R की value हमेशा 0 और B के बीच में lie करेगी. उसके अलावा इसकी application क्या है इस lemma की? हम इसको use करते हैं, application means use. इसका use करते हैं to find the HCF. Application of division lemma to find HCF of numbers. अगर हमारे पास कोई भी दो numbers given है, जैसे कि हम मान लेते हैं 8 and 26, या कोई भी दो numbers given है, अगर हम उन्हें divide करते जाएंगे, जैसे जिस number से divide करने पे हमारे पास remainder 0 आ जाए, वो number होगा HCF. हम एक example लेते हैं. Suppose हमने example ली 8 and 26 लेते हैं. 8, 26, 8 3s are 24. क्या बचा?